नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारा फ्रेंड्स का सवाल था कि ऐसे कुछ स्टॉक बताओ जो कि अच्छा सा डिविडेंड भी हमें मिल सकता है, उसके साथ में हमें ग्रोथ अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। ऐसे स्टॉक का नाम बताओ जो कि स्विंग ट्रेड में हम लेके चल सकते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म में लेके चल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विद इंटरेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, अगर पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे जो भी स्टॉक फ्रेंड्स मैं बताऊंगा ये सारे स्विंग ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सारे स्टॉक है यहाँ पे स्विंग ट्रेड में एक बढ़िया सा हमें प्रॉफिट दे सकता है, उसके साथ में यहाँ पे उसी के टाइम पे अगर हमारे पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक होता है तो यहाँ पे एक अच्छा सा डिविडेंड भी मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, और ये जो स्विंग ट्रेड का जो पीरियड रहेगा हमें 1 से 2 साल तक हमें रखना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो में, यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म का बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी अगर मैं ये स्टॉक का पहला स्टॉक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे NMDC कंपनी है, जो कि यहाँ पे मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने ये फिल्टर लगा के कैसे चूज किया, ठीक है। तो उसका क्वेरी भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप भी कैसे चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये जो कंपनी है 12% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देता है, जो कि 12% का डिविडेंड यील्ड मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रहा है, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है तो उसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर 1% होता है, 1% का हिसाब से यहाँ पे 1.2 रुपीज़ होता है, तो यहाँ पे 12% है, तो इस हिसाब से यहाँ पे 14-15 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड बनता है, ठीक है। अगर उस चीज़ को देखना है तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे NSE से जाके जरूर आप देख सकते हैं कि कितना रुपये का डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिला है। अभी हम देख लेते हैं जो कि NMDC में कितना डिविडेंड मिला है। मुझे भी एक अच्छा सा डिविडेंड देखने को मिला था, मेरा पोर्टफोलियो में भी NMDC है तो वहाँ पे एक अच्छा सा मुझे डिविडेंड भी देखने को मिला था। अगर हम देखेंगे NMDC में अभी जो डिविडेंड दिया था, अभी देखिए अगर कंपनी का इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं तो यहाँ पे डिविडेंड एक अच्छा डिविडेंड मिला है। देखिए यहाँ पे ये फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये 5 रुपीज़ वाला डिविडेंड है, उसके बाद में भी एक डिविडेंड आया था। करेक्ट है फ्रेंड्स, ये सही है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो कैश डिविडेंड मिला है तो यहाँ पे 5.73 मिला है, उससे पहले भी एक बार डिविडेंड मिला है जो कि दिसंबर में यहाँ पे 9 रुपीज़ का, तो मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 15 रुपीज़ का डिविडेंड देखने को मिला है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 12% का डिविडेंड है, और कंपनी ऐसा भी हमें कंपनी चूज करना चाहिए जो कि एक सपोर्ट के लेवल पे चल रहा होगा, ये सारा पैरामीटर हमें देखना चाहिए। अगर हम इसी हिसाब से देखते हैं कंपनी का पैरामीटर लास्ट 10 साल का, तो कंपनी यहाँ पे देखिए नीचे का लेवल पे चल रहा है, ऐसा नहीं कि टॉप पे चल रहा है, अगर टॉप पे चल रहा होगा तो वहाँ पे हम अवॉइड करेंगे, और उसी के साथ में और कंपनी जो चूज किया है तो ये चीज़ भी आपको देखना जरूरी है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी होना चाहिए या तो फिर 1000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी होना चाहिए, और कंपनी में प्रमोटर प्लेज भी नहीं होना चाहिए, और कंपनी एक लो डेट कंपनी होना चाहिए। अगर कंपनी के ऊपर डेट भी रहेगा तो 50% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक में एक स्विंग ट्रेडिंग का चार्ट पैटर्न भी बनना चाहिए। अगर इसी हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल एक स्विंग ट्रेडिंग का चार्ट पैटर्न है, उसी के साथ में कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी होना चाहिए, ये सारा पैरामीटर बिल्कुल मैच हो रहा है, इसी हिसाब से ये पहला स्टॉक है। तो उसके बाद में हम दूसरा स्टॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टॉक को अगर हम देखते हैं तो ये जियोजीत फाइनेंस है, हमने कल ये स्टॉक के बारे में भी चर्चा किया था, तो अभी भी मुझे ये भी देखने को मिला है हमारा स्क्रीनर पे, ये चार्ट भी, ये जो स्टॉक है ये भी बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए तो 0.11 है, जो कि 11% का डेट टू इक्विटी रेशियो है। यहाँ पे अगर मार्केट कैप की बात किया जाए, हमारा जो पैरामीटर होता है 1000 की एबव वाली कंपनी हमें लेना चाहिए, तो वो पैरामीटर से भी बिल्कुल फिट बैठता है। उसके साथ में अगर हम बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 29% का है, और यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा सा करेक्शन भी आया है, और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 6.5 है, और यहाँ पे FD के जो रिटर्न में मिलता है, FD में जहाँ पे हमें एक साल का इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करेंगे FD में ओनली 6% का मिलता है, 5% का मिलता है, तो यहाँ पे 6.5 है जो कि बहुत बढ़िया है। उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल एक स्विंग ट्रेड का चार्ट पैटर्न भी है। क्या चार्ट पैटर्न है अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे चैनल पे जाके जरूर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक बॉटम लेवल पे चल रहा है, 1-2 साल रखेंगे तो यहाँ तक का स्टॉक का प्राइस आ जाएगा, वहाँ पे एक स्विंग ट्रेड में बढ़िया सा प्रॉफिट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा स्टॉक था, और कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी है, ऐसा भी नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनी है, और कंपनी का सेल्स भी ग्रोइंग है और कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोइंग है, सारे पैरामीटर सुपर है। और क्या पैरामीटर मैंने फिक्स किया है वो लास्ट में मैं जरूर आपको बताऊंगा, आप कैसे एक अच्छा सा स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में हम जो बात करेंगे यहाँ पे और एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे,
ये स्टॉक है, तो इसको भी अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज, तो यहाँ पे भी 1600 करोड़ का मार्केट कैप है, तो स्टॉक का पी अभी 5 है। और यहाँ पे आरओसी के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 47% का आरओसी है, और डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए ओनली 6% है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखिए 1887 है, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 924 के पास में, जो कि एक 50% डिस्काउंट पे है। और वहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी देखिए 11% का डिविडेंड यील्ड भी है, जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी का अगर आप देखेंगे सेल्स, सेल्स भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1600 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद में 2100 हुआ, उसके बाद में 2300 करोड़ का सेल्स है। ठीक है, उसके साथ में बैलेंस शीट भी आके देख सकते हैं, जो कि सुपर दिखने को मिल रहा है। 839 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है, लेकिन बोरोइंग कितना है, ओनली 52 करोड़ का बोरोइंग है, और प्रमोटर होल्डिंग भी सुपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पैरामीटर ना अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल डर भी नहीं लगेगा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये हमारा तीसरा स्टॉक था। फिर फोर्थ स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। फोर्थ स्टॉक अगर हम देखते हैं यहाँ पे पॉलीप्लेक्स, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पे भी एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कंपनी देखिए कंपनी में कितना परसेंटेज का डिविडेंड यील्ड है, यहाँ पे 4.82% का डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक का पी ओनली 10 पे चल रहा है, और मार्केट कैप कितना है, 6700 करोड़ का मार्केट कैप, ऐसा नहीं कि माइक्रो कैप स्टॉक है। तो यहाँ पे देखिए आरओसी देखिए 29% का आरओसी है, डिविडेंड यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 29% का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि हाईली डेट कंपनी भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस कितना है, स्टॉक का ऑल टाइम हाई 2870 है, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 2158। तो यहाँ पे भी एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल एक स्विंग ट्रेड का मौका भी बन रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे देखिए 200 मूविंग एवरेज के पास में भी आ चुका है। ये जो पैरामीटर आप देख के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। तो इसका अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे बिल्कुल सुपर है, मल्टीबैगर स्टॉक का चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, अभी 200 मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है। अगर आप देखेंगे इसका एक लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के पास में आता है, वो एक बाइंग का सिग्नल जरूर देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग भी एक सुपर देखने को मिल रहा है। एफआई का भी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये एक चीज़ आप देख सकते हैं, एफआई का होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे डीआई का भी होल्डिंग है, और यहाँ पे पब्लिक का भी होल्डिंग है, और प्रमोटर के पास में 50% होल्डिंग है, बेहतरीन है फ्रेंड्स। ये भी एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, और इसने तो ज़बरदस्त रिटर्न भी कमा के दिया है। देखिए यहाँ पे 30% सीएजीआर लास्ट 10 साल में कमा के दिया है, 5 साल में यहाँ पे 38% सीएजीआर कमा के दिया है, और 3 साल में 70% सीएजीआर कमा के दे रहा है। उसके साथ में डिविडेंड भी एक बेहतरीन डिविडेंड दे रहा है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए भी एक जबरदस्त स्टॉक है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में जो बात करेंगे, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स के पास में ये स्टॉक ऑलरेडी है, जो कि सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स देखिए अगर सेल कंपनी के बारे में बात करेंगे तो ये भी एक अच्छा सा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए, जो कि स्विंग ट्रेड में भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, और यहाँ पे डिविडेंड भी आपको मिल सकता है 1-2 साल में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिविडेंड के बारे में, तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखिए 10% का डिविडेंड यील्ड है, तो इट मीन्स 10% मीन्स यहाँ पे जो 81 का प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे हमें 8 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कंपनी का 33,000 करोड़ की मार्केट कैप, वैसे छोटा मोटा कंपनी नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.25 है। ठीक है, और कंपनी का आरओसी देखिए 24% का आरओसी है, और बैलेंस शीट भी बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे 50,000 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है, और यहाँ पे बोरोइंग ओनली 13,000 करोड़ है। उसके साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी सुपर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे, मैं सारे पैरामीटर देख के ही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्टॉक में ऑप में आपको अपर लेवल पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक स्विंग ट्रेडिंग का चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कंसिडर करते हैं स्टॉक का ऑल टाइम हाई तक चलेंगे, तो वहाँ पे एक बढ़िया सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सारे स्टॉक का आपको अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए, तो यहाँ पे चैनल को जरूर विजिट कीजिए, तो वहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ है, आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरी बात में अगर आप डिसएग्री करते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि क्यों आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, अगर कंसिडर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये चीज़ भी आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि गेल इंडिया है फ्रेंड्स। ये भी एक मतलब ये स्टॉक में भी एक अच्छा सा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 4.95 है यहाँ पे, 9% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, और स्टॉक का भी ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे 135 पे। स्टॉक का अगर ऑल टाइम हाई बात किया जाए, तो 200 स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, और डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.14 है। तो यहाँ पे भी एक अगर आप बात करेंगे, तो एक PSU स्टॉक है, अंडरटेकिंग यहाँ पे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे आरओसी देखिए 23% का आरओसी भी देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी, ऐसा भी तो नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनी में हम एंट्री ले रहे हैं। कंपनी के अगर हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, सेल्स भी ग्रोइंग है, उसके साथ में कंपनी का बैलेंस शीट भी सुपर है जो कि 59,000 करोड़ का कंपनी के पास में यहाँ पे रिजर्व भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ में प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर कौन है अगर हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो सारे पैरामीटर फ्रेंड सुपर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे भी एक स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है। देखिए बिल्कुल नीचे एक लेवल पे चल रहा है, यहाँ से आप बाय कर लेंगे और बिल्कुल टॉप तक लेके जाएंगे 170 तक, यहाँ पे एक अच्छा सा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी बेस पे आप बिल्कुल अपने पास में जो भी स्टॉक रहेगा तो अपना स्टडी कर सकते हैं। और आखिर में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे मैंने किस बेसिस पे मैंने स्टॉक को एनालाइज किया, ये चीज आप जरूर देखने के लिए इंतजार किए होंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मैंने ये पैरामीटर सेट किया जो कि डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 4% से ज्यादा होना चाहिए और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज्यादा होना चाहिए, और उसके साथ में अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 50% से कम होना चाहिए, और 50% को ऐसे ही लिखते हैं 0.5 लिखते हैं, अगर 20% लिखना है तो 0.2 लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ को मैंने 15% सीजीआर के हिसाब से ग्रोथ लिया है जो कि लास्ट 3 साल का। उसके साथ में मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने लिया है 1,000 करोड़ के अबव वाली कंपनी, इससे पैरामीटर का बेस पे मैंने सिलेक्शन किया है। अगर आप कुछ चेंज करके अगर आप थोड़ा सा और भी स्टॉक को स्क्रीनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से जरूर आप देख सकते हैं और खुद का नॉलेज भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप पर्सनली मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग में एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो गेन कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ में कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं मेरे साथ में, वहाँ पर कनेक्ट करके आप जरूर सीख सकते हैं। उसके साथ में अगर कुछ आपका कोई पर्सनल स्टॉक का स्पेसिफिक बात रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, तो आपका स्टॉक को भी पिक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नया वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।